hey guys today we are discussing another new indian house plan here we will discuss the column position wall size building costing borewell position septic tank position so keep watch this video and gain some knowledge with us and friend if you think to make a building in your plot then this video is very helpful for you now let's begin we are providing very low budget indian house plan for village and city also hello friends आई एम प्रणब चौधरी वेलकम टू सिविल पाठशाला दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे ये पूरा प्लॉट का एक फ्रंट व्यू दोस्तों यहाँ पे हम लोग बारीकी से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम लोग इस प्लान को रेडी किए हैं एंड उसके बाद जो बिल्डिंग हम लोग रेडी करेंगे स्ट्रक्चर रेडी करेंगे कैसे हम लोग रेडी करते हैं दोस्तों ये थर्टी फाइव फिट बाई फोर्टी फीट का प्लान रहेगा टोटल चौदह सौ स्क्वायर फिट का रहेगा इसका खर्चा लगभग लगभग सेवन टू टू ट्वेंटी लैक्स आ जाएगा दोस्तों एंड दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये पहले हम लोग कलम प्रोवाइड करेंगे देन हम लोग टाइबिंग प्रोवाइड करेंगे चारों तरफ से कलम टू कलम टाइबिंग प्रोवाइड करेंगे देन हम लोग फ्लोर प्रोवाइड करेंगे उसके बाद वॉल का बारी आता है वॉल हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे देन आप देख सकते हैं लिंटेल हम लोग प्रोवाइड करेंगे चारों तरफ का जो लिंटेल है कलम टू कलम लिंटेल के साथ जो डाउन स्लैब होता है वो भी हम लोग इसी के साथ प्रोवाइड करेंगे नाव लिंटेल के ऊपर वाला जो वॉल रहता है वो हम लोग डाल देंगे नाव हम लोग डोर विंडो पोजीशन देंगे उसके बाद सनसेट प्रोवाइड करेंगे दोस्तों सनसेट डिजाइन भी आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखाऊंगा इसके बाद हम लोग स्टीयर प्रोवाइड करेंगे देन हम लोग बीम जो कि मेन बीम होता है टेन इंची बाई टेन इंची वो डालेंगे देन हम लोग स्लैब प्रोवाइड करते हैं इसके बाद हम लोग पैरापीट वॉल प्रोवाइड करेंगे पैरापीट वॉल आप डिज़ाइन कुछ भी दे सकते हैं मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड किया हो नाम नाव हम लोग यहाँ पे स्लैब जो स्टियर रूफ है सारा कुछ डाल देंगे एंड इसके बाद जो यहाँ पे पेड़ है जो एक्सटीरियर जो बाहर के लिए जो पेड़ होता है वो डालेंगे घर के अंदर भी आप इंटीरियर के लिए डाल सकते हैं पेड़ पौधे नाव दोस्तों यहाँ पे आप तो देखेंगे कि ब्रिक वर्क हम लोग किए हैं लेकिन ब्रिक वर्क तो आप नहीं करेंगे ना घर के जो प्लास्टर होगा प्लास्टर हम लोग इसको कर देंगे ठीक है तो प्लास्टर हो जाने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि देखने को भी कैसा लगेगा ये भी चीज़ है तो इसीलिए हम लोग इसको प्लास्टर कर देंगे प्लास्टर करने के बाद हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे कि हम लोग कहाँ पे कितना एरिया मिल रहा है एंड इसका कॉस्टिंग तो मैं बता ही चुका हूँ आपको थर्टी फाइव फिट बाई फोर्टी फिट तो दोस्तों आप कीजिए क्या कीजिए दोस्तों अभी कामयाबी मिलने से एक ही है कि आप अच्छे से काम कीजिए उसके बाद आप लोगों को सही से एक घर बना सकते हैं दोस्तों नाव यहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों हम लोग स्टीयर के नीचे से प्रोवाइड किया है दोस्तों जो स्टियर का जो लैंडिंग रहता है उसके नीचे हम लोग छह फीट का मेन एंट्री प्रोवाइड किया है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो स्टीयर है हम लोग ग्राउंड लेवल से प्लिंट लेवल पे हाई है एटीन इंची का हम लोग यहाँ पे रखे हैं देन हम लोग टॉप व्यू में आ जाते हैं टॉप व्यू हमें हम देख लेंगे कि टॉप व्यू में क्या क्या हम लोग को मिलेगा नाउ आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जो स्टियर कल ये हम लोग एरिया रखे हैं ये सेवन फीट बाई टेन फीट थ्री इंची रखे हैं ओनली स्टीयर के लिए एंड प्लिंथ लेवल के लिए तो प्लिंथ लेवल के ऊपर आ जाएंगे तो अलग से एरिया रहेगा नाउ हम लोग फर्स्ट ड्राइंग एरिया के तरफ चले जाएंगे दोस्तों ड्राइंग एरिया जो है एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके का रहेगा जो स्टियर हम लोग उठेंगे चढ़ेंगे स्टियर से प्लिंथ लेवल में तभी हम लोग का एंट्री मिल जाएगा एंड यहाँ पे ड्राइंग एरिया 12 फीट बाय 13 फीट मिलेगा प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ नाउ फर्स्ट बेडरूम में आ जाते हैं फाइव बी एच आपको मिलेगा जो कि मैं पहले बता चुका था फाइव बी के में फर्स्ट बेडरूम है नाइन फीट सिक्स इंची बाई टेन फीट सिक्स इंची का ओके okay, ये डोर से हम लोग एंटर करेंगे सेकेंड आपको एक टॉयलेट मिल जाएगा जो कि फाइव फीट सिक्स इंची बाई फोर फीट का टॉयलेट आपको मिलेगा एंड टॉयलेट के ऊपर आप एक स्लैब देख सकते हैं जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं उसको अलग से डोर देके स्टोरेज के लिए आप वो यूज कर सकते हैं नाउ सेकेंड बेडरूम में आ जाते हैं दोस्तों नाइन फीट सिक्स इंची बाई टेन फीट का ये बेडरूम मिलेगा दोस्तों आपको इसका भी एंट्री पॉइंट यहाँ पे रहेगा एंड इसका भी प्रॉपर वेंटिलेशन है उसके बाद थर्ड वाला जो बेडरूम है नाइन फीट सिक्स इंच बाई टेन फीट सेम साइज़ है एंड उसके बाद वाला जो बेडरूम है टेन फीट बाई टेन फीट है ये डोर से एंटर करेंगे एंड इसके साथ अटैच टॉयलेट दिया गया है दोस्तों थ्री फीट सिक्स इंची बाई फाइव फीट सिक्स इंची का नाउ एक कॉमन और एक कॉमन टॉयलेट दिया गया है जो कि वो टॉयलेट के बिल्कुल ऑपोजिट में है जो कि टेन फीट बाई फोर फीट का रहेगा एंड लास्ट वाला जो बेडरूम है टेन फीट बाई टेन फीट सिक्स इंची का रहेगा दोस्तों नाउ हम लोग किचन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों किचन में अंदर घुसते हैं वहां पे एक छोटा सा हम लोग एरिया मिल रहा है जो कि सिक्स इंची बाई सोर फीट सिक्स इंची का रहेगा नाउ किचन में हम लोग अंदर जाएंगे किचन का जो साइज रहेगा फोर्टीन फीट बाई एट फिट रहेगा ओके एंड वॉश एरिया जो यहाँ पे मिलेगा सेवन फीट बाई फाइव फिट का मिलेगा नाउ आप यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग को ये प्रॉपर टॉप में कैसे लग रहा है आप यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोगों को एक यहाँ पे एक ग्लास प्रोवाइड किए जो कि आ, स्टीयर रूफ के बगल में है स्टियर में स्टीयर के फ्रंट एलिवेशन में है एंड कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा दोस्तों अगर प्लान पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस पोजीशन पे हम लोग बोरवेल डाल सकते हैं एंड इसका बैक पोजीशन पे हम लोग सेप्टिक टैंक डालेंगे दोस्तों वॉल साइज़ हम लोग यहाँ पर सिक्स इंची प्रोवाइड किए हैं एंड इसके बाद आप अगर आपको इसमें इस प्लान में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोई दिक्कत आ रहा है आप जरूर बताइए मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने का एंड आज के लिए इतना दोस्तों थैंक यू वेरी मच